वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। और ये चल रहा है आप लोगों का मॉक टेस्ट 3। तो आप लोग अपना अपना पेन पेज निकालो और इसमें भी 40 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें आप लोगों को टारगेट रखना है मिनिमम 36 या 37 प्लस। ओके, मॉक टेस्ट 2 में काफी लोगों ने कमेंट किया है कि उनका 35 प्लस आया है, और जिसका आया है ना, आप लोग ये मान करके चलो कि आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स है। मतलब ये नंबर बता रहा है कि आप लोग का डेडिकेशन कैसा है, आप लोग पढ़ाई कैसा कर रहे हो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 81 है आप लोगों का कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इनर एंड आउटर डाया ऑफ बॉडी। आपका ऑप्शन है कैलिपर्स, बोलोमीटर्स, बैरोग्राफ और बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये आपका क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। आपका ऑप्शन है वोल्टमीटर, वाटमीटर, वेवमीटर एंड डिस्कोमीटर। और ये सब इजी क्वेश्चन है, तो टारगेट करो आप लोग अच्छा स्कोर करने का। यहाँ से हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हम लोग जो भी बात करेंगे यूनिट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, मेजरिंग डिवाइस के बारे में, डायमेंशन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो आप लोगों का, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यह है आपका क्वेश्चन, और इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है आप लोगों का, ठीक है। पहले मैं मोबाइल से करता था और इस बार थोड़ा सा टेक्निक मैंने चेंज किया है। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक जो है सो इस दोनों टेक्निक से ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, आप लोग पॉज करके बनाना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव। आपको बताना है कि वेव लेंथ हम लोग किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, वेव मीटर और विस्को मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 85 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। आपको ये बताना है कि कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 86 से देखो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सबमरीन में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सी लेवल से ऊपर। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सब बस देख करके टिक आउट करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 87 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, है ना। आपका ये ऑप्शन है पेरिस्कोप, पॉलीग्राफ, इकोमीटर और फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 88 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। पेरिस्कोप, पॉलीग्राफ, इकोमीटर और फोटोमीटर। ये सारा सेक्शन अगर आप अच्छा से पढ़ते हो ना, तो रेलवे के अलावा भी अगर आप कोई एग्जाम देते हो, मान लो एसएससी का जो भी एग्जाम है, सीबीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीटीयू, कोई सा भी, तो रूट वर्ड जो आता है इंग्लिश में क्वेश्चन और आपका जनरल साइंस से जो क्वेश्चन आता है वहां पे भी आपको हेल्प मिल जाएगा ये सारा चीज का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कर्वेचर को मेजर करने के लिए। सेक्सटेंट, स्फेरोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर।
कुछ मत करो, आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैंने जितना लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है डिटेल्स में, वो सारा एक बार देख लो, कॉपी में नोट्स बना लो, और उसके बाद मैं जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसको आप लोग अच्छा से देखो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आएगा उसका आप लोग टेंशन मत लो, सारा कुछ टाइम के हिसाब से ही चलता है, ओके। और उसके बाद देखो 35 प्लस कैसे आता है, बस जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको एक एक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो यूज बाई नेविगेटर्स टू फाइंड द लैटिट्यूड। यहाँ भी आपका ऑप्शन है सेक्सटेंट, स्टेरोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट द टेम्परेचर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्रोनोमीटर, टेलीमीटर, थर्मोस्टेट, ट्रांसपोंडर। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना लोगे अगर आपको रूट वर्ड का कंसेप्ट क्लियर है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 92 है आपका कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन ओम। ओम है और आपको ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आपको पकड़ना है कौन सा ऑप्शन है आप सही होगा। सिर्फ हार्ड नहीं करवाऊंगा, इजी भी करवाऊंगा, हर तरह का करवाऊंगा। चलो कॉमन सेंस के ये सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। आपका ओममीटर है, ओंडोमीटर है, पाइरोमीटर है और नेक्टोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन है पोलरीमीटर, कम्यूटेटर, क्रोनोमीटर और कैथेटोमीटर। काफी सारा क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्वेश्चन से ही पकड़ के आ जाएगा, ध्यान से अगर देखोगे पार्टिकुलर वर्ड को तो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 95 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कह सकते हो पार्ट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके, ट्रेड सिलेबस में भी ऐसा क्वेश्चन से आपका पाला कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 96 देखो कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर साउंड अंडर वाटर, है ना, साउंड वाटर के अंडर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे। आपका ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन, ऑप्सोमीटर और हाइग्रोस्कोप। मैं टाइम इसलिए कम दे रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा टाइम का ना हो जाए, और आप लोग क्या करो कुछ मत करो, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो, बनाओ और फिर वीडियो को रिज्यूम करो। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये सारा क्वेश्चन एकदम से 5 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, ह्यूमिडिटी देखे और बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 98 देखो, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड शोज द चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में जो चेंज होता है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है।
देखो 97 में लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मेजर कौन सा करता है और 98 में चेंज जो होता है मेरा ह्यूमिडिटी में वो बताता कौन है, दिखाता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताना है कि वो सॉल्यूशन जो है उसमें होता है ना नमक कितना है या उसका सैलिनिटी कितना होता है, वो किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोगों को पता चलता है। रडार, सैलिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर आप 100 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन रोटेशनल स्पीड ऑफ अ शाफ्ट। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन में हिंट किया था, अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। और इसलिए मैं बताता हूं कि सॉल्यूशन वाला वीडियो का हर एक लाइन सुना करो, हल्का सा मैंने एक जगह पे बताया है कि क्या होता है और वही चीज आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, रोटेशनल स्पीड शाफ्ट का बताना है, इसके हेल्प से हम लोगों को पता चलेगा। चलो, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ये सब मिस्टेक भूल कर भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, रेडियन। रेडियन से क्या मेजर करते हैं, एंगल, सॉलिड एंगल, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, 103 पे हम लोग चले गए, केल्विन इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम, सॉलिड एंगल, एंगल Within 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 104, कैंडेला इसका यूनिट है, कैंडेला से क्या मेजर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन के हेल्प से क्या मेजर होता है, एंगल, सॉलिड एंगल, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 106, न्यूटन किसका यूनिट है बताओ, या न्यूटन से क्या मेजर होता है, किस चीज को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया, फोर्स, स्पीड, वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 107, रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 108, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, किसका यूनिट है, ये क्वेश्चन शायद मॉक टेस्ट मन में आप लोगों को आ चुका था। अगर रिपीटेशन हो रहा है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा और इसके हेल्प से हम लोग इसका बाकी का ऑप्शन भी थोड़ा सा डिटेल्स में समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखो, किलोग्राम स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है, किलोग्राम, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर की कह सकते हो, किलोग्राम स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है, आपको ऑप्शन के हिसाब से पकड़ना है। कभी कभी क्या होता है सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होता है, हम लोग कुछ और समझते हैं, इस केस में हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे।
ये सारा क्वेश्चन अगर आप 5 से 6 सेकंड में बना लेते हो तो समझो कि आपका जो माइंड है काफी शार्प है और आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया है। 110 देखो हर्ज किसका यूनिट है, जल्दी होना चाहिए। ट्रिपल वन देखो 111 नंबर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एक सौ बारह नंबर देखो इंपल्स का यूनिट क्या होगा? एक सौ तेरह देखो पावर का यूनिट क्या होगा? एक सौ चौदह देखो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 115, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? एक सौ सोलह देखो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? कभी कभी डायमेंशन आ जाता है, मॉक टेस्ट 2 में डायमेंशन आया था विस्कोसिटी का, यहाँ पे देखो यूनिट आ गया। मॉक टेस्ट 2 अगर देखे हो अच्छे से आराम से बना लोगे ये क्वेश्चन। पॉज करके आराम से बनाना आप लोग। 117 देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? मैं हर तरह से लिंक करके पढ़ाता हूँ, अगर आप लोगों ने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का मेरा वर्क पावर एनर्जी देखा होगा तो यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखा होगा वहां से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ो आपको घुमा फिरा करके समझा ही देंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 118 देखो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं पॉज करके आप लोग देखना। नहीं वहां पे विस्कोसिटी था ना, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, चलो ठीक है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट आते जा रहा है जो चैप्टर आपका कवर होते जा रहा है वो आपका फाइनलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर बाद में फिर से रिवीजन, है ना। इतना बढ़िया से करो ना कि दोबारा पढ़ने का जरूरत ही ना करो, और कोशिश करना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग स्टार मार करके लिख लेने का। क्वेश्चन नंबर 119 देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कूलम जूल पर केजी पर केल्विन, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 120 देखो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी? काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, 40 का 40 वन लाइनर आप कर सकते हो, जिन लोगों को वन लाइनर चाहिए था या ऑब्जेक्टिव चाहिए था, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये रेलवे है और आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा 40 नंबर के लिए, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए पूछेगा, तो ऐसा भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, डेरिवेशन भी आएगा, तो इस तरह का आपको आएगा। ऐसा नहीं कि ये सारा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये सारा आ सकता है, तो अपने लोगों को कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। और जैसे ही मैं आंसर की देता हूँ कल शाम तक मैं FB ग्रुप, FB पेज, कम्युनिटी पोस्ट, YouTube चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह मैं दे दूंगा, तो आप लोग कमेंट करना। मुझे चाहिए 35 प्लस स्कोर, और जो लोग करते हो काफी अच्छा बात है, और जो लोग कम करते हो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं तो कॉम्पिटिशन में आप लोग पीछे हो जाओगे। मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को फायदा पहुंचाने का, अगर आप लोग इसका फायदा नहीं उठाते हो तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, ओके। तो
वेट करो आप लोग सॉल्यूशन का, और कोई अदर लेक्चर आता है आप लोगों से रिलेटेड तो आप लोग उसको देखना। चलो बाय, थैंक यू।